गाइस वेलकम टू आवर चैनल। ये देखिए, ये मेरे पहले एक बहुत ही ज़्यादा कर्ली हेयर्स थे, बहुत ड्राई हो गए थे बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा ड्राई थे। तो मैंने इसके ऊपर स्मूथनिंग और पुटोक्स का ट्रीटमेंट लिया और ये जो है भैया बहुत ही अच्छे से हमेशा मेरे बाल को स्ट्रेट कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं ये और बहुत ज़्यादा इनके पास लोग भी आते हैं करवाने के लिए। और ये देखिए, सबसे पहले तो हेयर वॉश हो रहा था और ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था और विंटर्स भी आने वाले थे। और देखिए, पहले सबसे पहले मैंने हेयर वॉश कराया और उसके बाद बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है ये देखिए। अब धीरे धीरे जैसे मैंने वीडियो बनवाई और इसके बाद पानी वानी जाता ही है कान वान में, लेकिन मैं कॉटन लगा लेती हूँ। और उसके बाद देखिए क्या होता है इस ट्रीटमेंट में। उसके बाद एक बार ब्लो ड्राई करा जाता है और मैं आपको दिखा रही थी ये सलून, और मैं आई थी और सुबह का टाइम था तो काफ़ी खाली था, आई लाइक इट। और उसके बाद देखिए ये ड्राई हो रहे थे हेयर्स, उसके बाद इन्होंने मेरे बालों पे होम ऑयल लगा दिया जो हम जनरली खाने पे लगाते हैं देखिए। और इसके बाद फिर से हेयर वॉश करके एक बार ब्लो ड्राई किया गया और मतलब कि अच्छा लगता है, बट बार बार हेयर वॉश। और इसके बाद लगाई गई क्रीम, फिक्सर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और फिर इतना टाइम हो गया था, 3-4 घंटे की मुझे चक्कर आ रहा था। देखिए मैंने क्या करा उसके लिए, मैंने ऐसी शॉर्ट बनाया, वीडियो बनाई जिसमें ऐसे लाइटनिंग थी। और इसके बाद देखिए, ये देखिए क्यूट लग रहे थे मेरे हेयर्स, मैं भी क्यूट लग रही थी। और ये देखिए, ये बाल इसके बाद स्ट्रेट हो गए थे। और उसके बाद मैंने फिर से आपको दिखाई वीडियो में, जैसे पहले मेरे कर्ली हेयर्स थे उसके बाद मैंने स्ट्रेट कराया। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइस वेलकम टू आवर चैनल। ये देखिए, ये मेरे पहले